आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि जो ड्रिफ्ट वुड होती है ड्रिफ्ट वुड यानी जो बहते हुए पानी में जो लकड़ी तैरती रहती हैं खारे पानी में समुद्र में और या नदियों में वो होता क्या है कि एक साल में दो साल में पाँच दस सालों में ऐसे तैरती रहेंगी तैरती रहेंगी तो क्या होता है तो जो उनका बाहर वाला भाग है जिसे हम कहते हैं बार्क छाल वो हट जाता है और उसके अंदर का जो मुलायम भाग है जैसे हम कहते हैं सैप वुड वो भी धीरे धीरे करके गल जाता है ख़त्म हो जाता है और अंदर की ब्राउन कलर की लकड़ी जिसे हम कहते हैं हार्ट वुड भारी होती है वो लकड़ी वो बीच वाला भाग रह जाता है और वो इतनी भारी होती है कि बिल्कुल पत्थर की तरह लोहे की तरह इतनी भारी हो जाती है और क्योंकि नमक के पानी में पड़ी हुई है तो लगातार नमक को वो एब्जॉर्ब कर रही है लकड़ी इसलिए क्या होता है कि जो सोडियम और क्लोराइड जो आयंस है उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में होते हैं तो ऐसी लकड़ी जलाने के लिए तो उपयोगी नहीं है क्योंकि जब आप इसको जलाएंगे तो नीली और बैंगनी रंग की वो लपटे निकलेंगी इसमें वो बहुत हानिकारक हैं क्योंकि सोडियम डाईऑक्साइड बन गया और क्लोराइड डाईऑक्साइड बन जाता है तो क्लोराइड और सोडियम दोनों के दोनों डाईऑक्साइड बन जाते हैं तो ये जहरीले पदार्थ हैं जब हवा में जाएंगे जब आप इनको इनहेल करेंगे तो क्या होगा इससे ब्रोंकाइटिस अस्थमा वगैरह ये सब बीमारियाँ हो सकती हैं इसलिए जलाने के लिए कोई रिकमेंड नहीं करता खाली आप इसको सजावट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो आज मैं अब आगे आग क्लिप में दिखाऊंगा कि हम इसको सजावट के लिए कैसे उपयोग करें बड़ी महंगी आती है बाज़ार में लेकिन ये देहरादून के जंगलों में जो नदियाँ बह रही हैं देहरादून में वहाँ से लोग ले आते हैं इसी तरह केरला में केरला में बहुत सारी रिवर्स हैं जैसे थेकड़ी रिवर है उसके अंदर लकड़ियाँ पड़ी रहती हैं वो वहाँ से ले आते हैं और बड़े काम की है बड़ी महंगी मार्केट में मिलती है तो ये आपको अगर कहीं से मिल जाए या आप खरीदें तो उसको आप हाथ से ब्रश करके पेंट से आप उसको सुंदर बना सकते हैं और डेकोरेशन में काम में लाई जा सकती है पेड़ों को काटने से तो बेहतर है कि जो पेड़ सूख गए हैं उनकी लकड़ियों का अच्छे ढंग से उपयोग किया जाए और बहती हुई लकड़ी कई हफ्तों महीनों या सालों तक खारे पानी में रहती है और खारा पानी लकड़ी को रेत देगा रंग और रंग के सभी निशान हटाए था, था। देखिए लकड़ी ये सफ़ेद हो गई ड्रिफ्टवुड किस लिए प्रसिद्ध है ये मैं बता रहा हूँ कि ड्रिफ्टवुड अपने प्राकृतिक देहाती आकर्षण पर्यावरण के अनुकूल प्रकृति के कारण घर की सजावट के लिए लोकप्रिय है ड्रिफ्टवुड जैसा व्यक्ति कब हो सकता है बहुत से लोग बहते हुए लकड़ी की तरह होते हैं वे वहीं जाते हैं जहाँ जीवन उन्हें ले जाता है समय के साथ लकड़ी गोल और चिकनी हो जाएगी ये देखिए गई यहाँ पे ये लकड़ी चिकनी हो गई समय के साथ ये लकड़ी चिकनी होती चली जाती है बहकर आई लकड़ी खास तौर पर समुद्र से नीली और लवेंडर रंग की लौ पैदा करती है क्योंकि अवशोषित नमक को जलाने से सोडियम और क्लोरीन आयन निकलते हैं जो डाईऑक्साइड बनाते हैं जिसकी वजह से ये नीली और बैंगनी रोशनी होती है तो इससे क्या है ब्रोंकाइटिस हो सकता है तो अब ये देखिए ढाक के तीन पात हैं इसको क्या करते हैं फिर सुखा लेते हैं और सुखाने के बाद इसके ऊपर पॉलिश करते हैं हरे रंग की जैसी पत्तियाँ वास्तविक हैं वैसी हो जाती हैं और सुखाने के बाद इसको लकड़ियों में लकड़ी में ड्रिफ्ट वुड में कोया जाता है इससे सजावट अच्छी हो जाती है दस ड्रिफ्ट वुड सिद्धांत मैं आपको बताना जा रहा हूँ बहुत से लोग बहते हुए लकड़ी की तरह होते हैं वे वहीं जाते हैं जहाँ जीवन उन्हें ले जाता है तो हमें डिफ्ट की लकड़ी नहीं बनना वे ऐसे निर्णय नहीं लेते जो उनके मार्ग को बदल दें तीसरा ये लोग क्यों बेकार की लकड़ी हैं यह कुछ ना करने का विकल्प है चुनाव ना करना आसान है चौथी बात क्या आप बहते हुए पेड़ बनना चाहते हैं या आप अपनी पसंद की मंजिल के लिए अपना रास्ता खुद तय करना चाहते हैं इससे हमें यह सीख मिलती है और ये देखिए निर्णय लें हमारे समाज में ने हमें निर्णय ना लेने के लिए तैयार किया है देखिए ड्रिश को सजाने का ये बड़ा सुंदर फूल है छठा कुछ अतिरिक्त करें यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं बस थोड़ा और करना है यही प्रश्न करना चाहिए सातवां कुछ अलग करें आप हमेशा एक ही काम करते हैं आपकी दिनचर्या एक जैसी है आप हमेशा नया काम करने के लिए कोशिश करें कोई शौक रखें किसी नए व्यक्ति से हमेशा मिलने के लिए कोशिश करें अपने समय पर नियंत्रण रखें सकारात्मक रहें सकारात्मक दृष्टिकोण हमेशा जीतता है यहाँ तक कि हारने की स्थिति में भी सकारात्मक रहें ये देखिए जामिया का पौधा है जाइकट साइकट बोलते हैं इसको ये है गैल्फीमिया ग्लेबरा ये सारे के सारे पौधे ये ड्रिफ्टुड को सजाने के काम आते हैं एक और पौधा है यहाँ देखिए आपको दिखा रहा हूँ इसका नाम है लेंटाना तो आपको इस तरह से ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद तो देखा आपने तरह तरह की लकड़ी है यहाँ पर ड्रिफ्टवुड है ये हज़ारों रुपए की आती है बड़ी महंगी आती है इसको सजाने के लिए बड़े सारे ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं जो लोग नहीं बताते वो मैंने सब आपके सामने यहाँ पर प्रकट कर दिया है